नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में परिवर्तन नामक एनजीओ की ओर से आज निजी होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें परिवर्तन एनजीओ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता वर्मा ने नागरिक अस्पताल के पास स्थित उमेश अल्ट्रासाउंड केंद्र पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में सुनीता वर्मा ने कहा कि उमेश अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉक्टर उमेश शर्मा मरीजों के अल्ट्रासाउंड के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि उमेश शर्मा इससे पहले बालाजी अल्ट्रासाउंड केंद्र में तैनात थे, वहां पर भी उनके संबंध में कई महिलाओं ने शिकायतें दी थी और आरोप भी लगाए थे। अनीता वर्मा ने आरोप लगाया कि उमेश शर्मा पीएनडीटी एक्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर वह सीएमओ को शिकायत दे चुकी हैं और संस्था विभाग को भी शिकायत भेज रही हैं, लेकिन सीएमओ ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये मामला है, यहाँ पर डॉक्टर उमेश शर्मा जी हैं जो पहले बालाजी अल्ट्रासाउंड पे काम करते थे, अब उन्होंने अपना अलग से उमेश अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सेंटर बना लिया है। ये पीएनडीटी तहत के से मतलब जो रूल 3 है पीएनडीटी एक्ट का, उसमें ये है कि एक डॉक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने 2 सेंटर खोल सकता है, लेकिन जो समय उसको दिया गया है उसी निर्धारित समय में वो वहाँ पर अपना अल्ट्रासाउंड कर सकता है। अदरवाइज अगर वो इस उल्लंघना करता है तो वो आपराधिक माना जाता है। तो क्या कार्रवाई होती है उसमें? आप आपके पास क्या इसमें तथ्य हैं? क्या तथ्य? ये मेरे पास पीएनडीटी एक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कानून की उल्लंघना है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो रूल्स बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों की उल्लंघना करना तो कानून की धज्जियां उड़ाना ही होगा ना। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, पिछले 2 सालों से मेरे पास डॉक्टर उमेश शर्मा की शिकायतें आ रही हैं कि जब ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड करते हैं ना तो लेडीज के साथ बदतमीजी भी करते हैं। मैंने पहले कितनी लेडीज को बोला, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बालाजी पे ये थे, जब बालाजी अल्ट्रासाउंड पे थे तो हम इनके पास पेशेंट भेजते थे, तो टीवीएस करते हुए इन्होंने लेडीज के साथ बदतमीजी भी की है। तो मैंने बोला कि हम अपनी एनजीओ की तरफ से कार्रवाई करते हैं डॉक्टर के खिलाफ, लेकिन उनकी बदनामी की वजह से हमें चुप रहना पड़ा। तो फिलहाल इस मामले में आपने शिकायत दी किसी को? हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी शिकायत दी है, और अभी और भी जो सीएम को भी शिकायत दी है हमने, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को दी है। हाँ जी बिल्कुल, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो में जो सीएमओ डीए वगैरह जो होते हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनकी तरफ से। और इसका टाइमिंग ये है कि जब शिकायत मिलते ही 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होती है, वो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है। आपने कब शिकायत की थी? 6 तारीख को। 6 को शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। सजा का प्रावधान तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। हम तो आपके माध्यम से ये चाहते हैं सर कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर की जो जांच करवाई जाए, और इसमें अभी और भी हमें अंदेशा है कि बहुत त्रुटियां ऐसी मिलेंगी। संस्था द्वारा आरोप लगाए गए हैं लापरवाही के, तो क्या कहना सर आपका इसमें? जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे बिना बुनियाद के हैं, एकदम झूठे और किसी रंजिश वश लगाए गए हैं, क्योंकि मेरा डिस्प्यूट भी चल रहा है और जो कि कोर्ट में सब ज्यूडिस है, तो उसमें कुछ बोलने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में विचाराधीन मामला है और किसी ने रंजिश वश ये सारे आरोप लगाए हैं झूठे। तो नियम का पालन हो रहा है अपना? हाँ बिल्कुल, हम नियम से काम करते हैं और प्रॉपर इंस्पेक्शन होता रहता है टीम के द्वारा, पीएनडीटी की टीम से, कभी ऐसा कोई लापरवाही का मामला मिला नहीं। क्या नाम सर अपना? उमेश शर्मा।